क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू प्राची पारिक्स यूट्यूब चैनल। Hey guys, welcome back to my channel. I hope so you all are doing great and so am I. आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यू नो स्पेशल वीडियो है. क्यों? क्योंकि ये वीडियो के बारे में मुझे इतनी बार रिक्वेस्ट किया गया है आप लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को नहीं बना पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट कटिंग माई ओन हेयर एट होम फ्रॉम पास्ट वन ईयर. लेकिन आज जब मुझे अपने बालों को ट्रिम करना था और हल्का सा लेयर कट देना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बनाया जाए. और सिंस मैं इस वीक में आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस ले रही हूँ, तो इस वीक में ये वीडियो का आना तो ज़रूरी था ही सही. इसके पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है. आई होप ये ट्यूटोरियल सभी बिगनर्स के लिए हेल्पफुल रहे. मैं खुद इसे यू नो रॉ फॉर्म में आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ. आप लोगों को पता है मैं अपने चैनल के ऊपर एकदम रॉ फॉर्म में सारी वीडियोस लेके आती हूँ. आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एडिटिंग, ताकि आप लोगों को पता रहे और विदाउट एनी यू नो डाउट आप उस वीडियो को देखें और एग्जैक्टली वो सभी चीज़ों को अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक स्किन केयर थिंग, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, DIY थिंग जो बिल्कुल सेफ होते हैं. तो उसी तरीके से आज का जो हेयर कट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ है. एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. अगर आप ये हेयर कट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बनाना क्लिप की, एक पेयर ऑफ सीजर की जो बिल्कुल भी अच्छी हो, और एक नॉर्मल कॉम की. दैट्स ऑल. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. अपने बालों को आप हाफ पार्टीशन में, इक्वल हाफ्स में पार्टीशन कर लिए और उसके बाद जो आपका फ्रंट सेक्शन है उसे सामने लेकर इस तरीके से ट्विस्ट कर ले. ट्विस्ट करने के बाद आपके वर्किंग पेयर ऑफ सीजर को आपको लेना है और जिस भी लेंथ पे आपको लगता है कि आपको फ्रंट सेक्शन को कट करने की ज़रूरत है, उस लेंथ पे आप अपने हेयर को कट करिए. मुझे अपने हेयर को बैंग्स में कट नहीं करना है. मैं थोड़े से यू नो अपने जो लेयर्स उसको थोड़ा लॉन्ग रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़े से लॉन्ग लेयर कट कर रही हूँ अपने बालों में. दैट इज़ द फ्रंट सेक्शन. मैं अपने पूरे बालों में 3-स्टेप लेयर करने वाली हूँ. दैट इज़ अगेन ऑन द फ्रंट सेक्शन ऑफ माई हेयर, ऑन माई फेस, जो मैंने पुराने वीडियो में भी कर रखे हैं, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है. मैं पीछे से अपने बालों में ज़्यादा लेयर नहीं देती हूँ क्योंकि मैं उन्हें स्ट्रेट ही रखना चाहती हूँ. सिंस मेरे बालों में हेयर स्मूथनिंग किया हुआ है तो मुझे स्ट्रेट हेयर काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट फ्रंट से मैं थोड़ा सा लेयर देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं 3-स्टेप लेयर में फ्रंट से अपने बालों को हेयर कट कर रही हूँ. अब आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड सेक्शन ऑफ हेयर ले लिया है और इस सेकेंड सेक्शन को भी एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं ले रही हूँ फ्रंट में और उसे ट्विस्ट कर रही हूँ. ट्विस्ट करने के बाद जितना भी लेंथ पे मुझे हेयर कट करना है मैं उतने लेंथ पे से कट करूँगी. ध्यान रखिए अगर आप बिगनर हैं और आपने कभी भी अपने हेयर कट नहीं किए, आप इसको ट्विस्ट करके एग्जैक्टली इस तरीके से कट नहीं कर सकते, तो जिस भी लेंथ पे आपको कट करना है वहाँ पे आप एक छोटा सा रबर बैंड लगा सकते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से हेयर कट कर सकते हैं. सिंस मैं प्रो हो चुकी हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं अपने बालों को बिना रबर बैंड लगाए ही कट कर रही हूँ. Now after this I'll take all my hair in the front. मैं इसे फ्रंट में लेके जब हेयर कट करती हूँ तो करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और मुझे एक्चुअली में ज़्यादा मिरर की ज़रूरत नहीं होती है. तो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली गिव माई फ्रंट लेयर्स ऑन माई फेस वेरी ईजीली. आप देख सकते हैं लास्ट में मेरे जितने भी हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके हैं, आई नो, और इसीलिए मैं नेक्स्ट थर्सडे आपके लिए लेके आने वाली हूँ मैजिकल हेयर मास्क, जो हेयर फॉल के लिए मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है. दैट्स माई मॉम्स मैजिकल हेयर मास्क. सो आई होप कि वो हेयर मास्क आपके भी बालों में वो ही मैजिकल फील दे जो वो फिलहाल मेरे बालों में दे रहा है. आपको पता है मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुके थे एंड फाइनली वो काफ़ी बेटर हो रहे हैं उस हेयर मास्क को लगाने के बाद. सो प्लीज़ मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट थर्सडे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए. अब मैं फ्रंट लेयर्स थोड़े से अपने बालों को फ्रंट लेयर्स में दे रही हूँ. आप इस तरीके से थोड़ा zigzag फॉर्म्स में फ्रंट लेयर में आपके हेयर को कट कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि उसे थोड़े से लेयर की ज़रूरत है वो लेयर्स उसमें आ जाए. एंड नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक. आई होप यू लाइक माई टुडेज वीडियो. आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बाद आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं अपने हेयर को
और दिस इज माई इंस्टाग्राम पेज, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई इंस्टाग्राम चैनल। बाय बाय।